नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तैनात पीसीएस अधिकारी मणि मंजरी राय की मौत से हड़कंप मच गया है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, बलिया में तैनात गाजीपुर निवासी युवा अधिकारी मणि मंजरी के बारे में दुखद समाचार मिला। खबरों के अनुसार उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। मणि मंजरी के परिवार को न्याय मिले इसके लिए सभी तथ्यों का सामने आना और निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। मणि मंजरी राय मनियर नगर पंचायत के ईओ के पद पर तैनात थी। उन्होंने सोमवार की देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस दौरान उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें फंसाने की बात कही गई है। मणि मंजरी राय के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं फर्जी पेमेंट कराने के लिए हत्या हुई है। पिता ने कहा कि मणि मंजरी ने कई ठेकेदारों की फाइल को रिजेक्ट किया था। मंजरी के सुसाइड नोट और पिता के आरोपों के बाद इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सरकारी महकमे से जुड़े लोगों के बीच दो महीने पहले हुए विकास कार्य के 2 करोड़ का टेंडर होने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि महिला पीसीएस अधिकारी ने 2 करोड़ के टेंडर के दौरान सरकारी नियम कानून की बात खड़ी की थी। चर्चा यह भी है कि 2 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर आदेश कार्य के जारी क्रम में मणि मंजरी राय पर लगातार दबाव बन रहा था। इसका ईओ ने जवाब दिया था कि बिना बोर्ड के प्रस्ताव पारित पर कार्य आदेश जारी नहीं होगा। वजह कि टेंडर के खोलने के दौरान ईओ अनुपस्थित थी और उनकी ओर से दस्तावेज पर साइन नहीं हुआ था। इसके अलावा कुछ दूसरे टेंडर भी हैं जिनको लेकर उन पर दबाव की बात कही जा रही है। फिलहाल मणि मंजरी राय की मौत का मामला जांच के दायरे में है। मंजरी राय ने आत्महत्या की है या हत्या कर उनका शव फांसी पर लटकाया गया है, यह तो जांच के बाद सामने आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।